चंद्रकांत पाटिल बीजेपी कैंडिडेट ने बॉन्ड लिए सो है, अफिडेविट बना के दिए सो है, ये अफिडेविट रॉन्ग है बोल के मैं डीसी सर को एक कंप्लेंट दे के रिसीव लिया हूँ। मैं चंदू पाटिल को फोन करके बुलाए, बुलाने के बाद उन्होंने आने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के सामने ही उन्होंने क्या बोले, बोलो क्या बोल के ऐसे मेरे को थ्रेटन करते हैं। अभी मैं कांग्रेस के कैंडिडेट खनीस फातिमा मैडम उनका भी ऑब्जेक्शन किया हूँ, उन्होंने भी उनका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं बताए, वो भी मैं ऑब्जेक्शन रेज किया हूँ, वो भी आरओ रिटर्निंग ऑफिसर लिख लेके वो भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो बोल के बता दिए। हाँ, वो छोड़ के भी मैं आम आदमी पार्टी का सज्जाद अली इनामदार का भी ऑब्जेक्शन किया हूँ और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खनीस फातिमा बोल के उनका भी ऑब्जेक्शन किया हूँ। हम कौन कौन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिए थे सबका क्वेश्चन किए सो है। This video presented by Bakers Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. आज का दिन कलबुर्गी उत्तर विधानसभा इलेक्शन का नॉमिनेशन कल 20 तारीख तक क्लास था, हम सब नॉमिनेशन किए थे। मैं शरण आईटी जेडीयू पार्टी से कैंडिडेट होके मैं नॉमिनेशन किया था। आज 21 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर ने सबको स्क्रूटनी के लिए बुलाए थे 11 बजे, हम सब स्क्रूटनी के लिए प्रेजेंट थे आरओ के सामने। ड्यूरिंग स्क्रूटनी क्या हुआ बोले तो बीजेपी कैंडिडेट श्री चंदूकांत पाटिल, हाँ, उनका स्क्रूटनी के टाइम उनका 4 नॉमिनेशन किए थे, उसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन क्या था बोले तो आप इधर सीधा सीधा देखिए, चंद्रकांत पाटिल बीजेपी कैंडिडेट ने क्या लिखा है बोले तो, सेकेंड पार्टी उनका अफिडेविट में बॉन्ड में रिटर्निंग ऑफिसर गुलबर्गा बोल के लिखे हैं, बट रिटर्निंग ऑफिसर गुलबर्गा उत्तर 45 बोल के है रिटर्निंग ऑफिसर, बट उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर गुलबर्गा बोल के बॉन्ड लिए सो है, अफिडेविट बना के दिए सो है, बट उन्होंने सीधा सीधा 45 उत्तर मत क्षेत्र के आरओ को एड्रेस करके अफिडेविट नहीं बनाए, ये अफिडेविट रॉन्ग है बोल के मैं सुबह 10:30 बजे डीसी सर को एक कंप्लेंट दे के रिसीव लिया हूँ। मैं ये रिसीव लिया हूँ मैं डीसी सर को देख के, और अभी 11 बजे रिटर्निंग ऑफिसर कॉरपोरेशन के 45 उत्तर विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर को भी मैं डॉक्यूमेंट देख के उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख के रिसीट लिया हूँ। वो छोड़ के भी उनका क्या है शेयर्स इन्वेस्टमेंट है ना पूरा, उन्होंने डिटेल ही मेंशन नहीं किया, उधर डिटेल्स मेंशन करो बोल के एफिडेविट में है, उन्होंने सिर्फ 6 करोड़ चिल्लर बोल के बताया सो है, 6 करोड़ चिल्लर अमाउंट बताया सो है, बट उनका उससे ज़्यादा अमाउंट है और बहुत सारे जगह उनका इन्वेस्टमेंट है, वो उन्होंने क्लियरली बताया नहीं, वो भी मैं अटेस्टेड कहाँ का इन्वेस्टमेंट है वो भी मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके दिया था। ये सब कुछ आरओ रिटर्निंग ऑफिसर लेके रिटर्न नोट डाउन करके पूरा देख लिए, देख लेने के बाद उन्होंने उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट करके हमारे को बोले आपका ऑब्जेक्शन क्या भी है ना यू कैन चैलेंज इन कोर्ट बोल के बता दिए। सो मैं सीधा सीधा बोलना चाह रहा हूँ कि रॉन्ग है डिटेल्स, वो हम क्लियरली बताए सो है। और ड्यूरिंग उस वो टाइम उनके एडवोकेट क्या किए बोले तो बाहर जाके चंद्रकांत पाटिल चंदू पाटिल को फ़ोन करके बुलाए, बुलाने के बाद उन्होंने आने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के सामने ही उन्होंने क्या बोले, बोलो क्या बोल के ऐसे मेरे को थ्रेटन करते और डराते, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही इंसिडेंट हुआ है। हम सीधा पूछना चाह रहे हैं आवाम को, गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन को, ऐसा चीज़ हुआ तो इलेक्शन फेयरली हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बोले तो उनका आवाज़ है, उनका गुंडे है, सब कुछ है बोल के उन्होंने बताना चाह रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। और मैं रिटर्निंग ऑफिसर को बोले तो उन्होंने बोलते हैं आप एक लेटर लिख के दो, हम आपको नेसेसरी सिक्योरिटी बोले तो हम कमिश्नर को लिख के पुलिस कमिश्नर को लिख के आपको ये करेंगे बोल के। बोले तो आज का दिन में इलेक्शन के लिए ऐसा मामला चल रहा, आप पब्लिक सभी देखिए फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते। वो छोड़ के भी मैं कांग्रेस के कैंडिडेट खनीस फातिमा मैडम उनका भी ऑब्जेक्शन किया हूँ, उन्होंने भी उनका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं बताए, वो भी मैं ऑब्जेक्शन रेज किया हूँ, वो भी आरओ रिटर्निंग ऑफिसर लिख लेके वो भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो बोल के बता दिए। हाँ, वो छोड़ के भी मैं आम आदमी पार्टी का सज्जाद अली इनामदार का भी ऑब्जेक्शन किया हूँ और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खनीस फातिमा बोल के उनका भी ऑब्जेक्शन किया हूँ। हम कौन कौन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिए थे सबका क्वेश्चन किए सो है, बट बीजेपी कैंडिडेट हमारे को धमकाते हैं, सो हम पब्लिक को पूछना चाहते हैं ऐसा बोले तो कैसा होगा बोल के। मैं ऑलरेडी एक लेटर भी दिया हूँ कमिश्नर सर को, हमारे को सिक्योरिटी दो बोल के। सो ये फैक्ट्स है ग्राउंड आज के इलेक्शन में, इन्होंने कैंडिडेट है ताराबाई बोल के भारतीय जन साम्राट पार्टी से कंटेस्ट किए, उनके सामने ही हादसा हुआ, उनको भी आप पूछिए। इवत्तु इदु नामिनेशन इदु नडेदु स्कूटनी
ಸ್ಕೂಟ್ನಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಸಲ ಅದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಟ ಯಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ್ದು ಹೆಂಗದ ಏನದ ಅಪೋಜಿಟ್ ಏನದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಫೀಸರ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಹೇಳನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಭೀ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾರ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ.